जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार, एयरफोर्स वेटरन, आप लोगों का स्वागत करता हूं यमुना एक्सप्रेस वे पे। इस बार जो प्रोजेक्ट लाया हूं बहुत ही यूनिक रहने वाला है और मेन है कि ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल फिल्म सिटी के बहुत ही नज़दीक है। और दूसरी बात, ये जो है यमुना एक्सप्रेस वे के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर है, जो कि एक बड़ा जंक्शन है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस का, एक तरफ सेक्टर 19 और एक तरफ सेक्टर 22D। और इस 22D सेक्टर जो है 440 हेक्टर का ग्रुप हाउसिंग का हब होने वाला है फ्यूचर का। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं फ्यूचर में, जिसमें से कि पूर्वांचल एलडीगो एस ने ऑलरेडी अपना जो है लैंड एक्वायर कर लिया है और काम भी शुरू कर दिया है एस ने। उसके अलावा गांव तो पहले से ही यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल है, जैसे एस, एटीएस और ओएसएस ग्रैंड स्टैंड और गौड़ यमुना सिटी। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूँ तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो है ये मॉल है ये 100 एकड़ की टाउनशिप पे है, ठीक है। वो पहले से ही वहाँ पर जो है घर काफ़ी बन रहे हैं। इसके बाद जो है लग्जरी टाउनशिप है जिसमें ये है, और वहाँ पे हाई रेजेस भी आने वाले हैं। तो अगर फुटफॉल की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और जो एंट्री एग्जिट बताई थी उसके कारण यहाँ पर एक बस ट्रांजिट सिस्टम है जो फ्रंट में बनेगा। उस बस ट्रांजिट सिस्टम में जो बसों के रुकने की व्यवस्था, कारों की रुकने की व्यवस्था, सीएनजी स्टेशन और पेट्रोल फिलिंग पॉइंट, और इसके अलावा ईवी चार्जिंग फैसिलिटी भी बनेगी। और एक गवर्नमेंट, इसके जस्ट फ्रंट में एक गवर्नमेंट पार्किंग फैसिलिटी सेंटर है, वहाँ पे अगर कोई भी अगर आगरा या मथुरा से आ रहा है तो उसके रुकने की व्यवस्था की गई है। और आप अगर देखेंगे, अगर आप आगरा मथुरा से आते हैं दिल्ली की तरफ, तो कोई भी एक ऐसा बड़ा फैसिलिटी सेंटर नहीं है जो कि इसमें ये डेवलप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। तो मैं इस मॉडल पे बता देता हूँ इस मॉल के बारे में, किस तरह का रहने वाला है और क्या खासियत है इस मॉल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसमें शॉप्स बनेंगे वो सारी की सारी, मतलब उनकी बहुत बढ़िया फेसिंग दी गई है। दूसरा जो है इसके ऊपर जो है स्टूडियो कम होटल का कॉन्सेप्ट रखा गया है, जो कि ऊपर में रहने वाला है टॉप पर। उसके बाद जस्ट नीचे में उसके बैंक्वेट हॉल रखे गए हैं दो, और जस्ट अपोजिट साइड में जो राइट विंग है उसमें रखा गया है 5 मल्टीप्लेक्स जो पहली बार यमुना एक्सप्रेस वे पे आने वाले हैं। उसके अलावा जो यूनिक है कि लोग दूर से आएंगे उनके लिए गेमिंग जोन, बच्चों के लिए गेमिंग जोन और बड़ों के लिए भी गेमिंग जोन की, और ऊपर में फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स को ऊपर में फूड कोर्ट अलॉट किए जाएंगे। जिससे मैंने जो कहा था आपको कि जब लोग दूर से आते हैं तो उनको रेस्ट चाहिए होता है, थोड़ा सा मतलब एंटरटेनमेंट में चाहिए होता है, एक मूर्तल कॉन्सेप्ट का इस पर रखा जाएगा फूड कोर्ट कॉन्सेप्ट ऊपर में। उसके सब नीचे चले जाएंगे, जब नीचे में हम देखेंगे तो सबसे बड़े बड़े फ्रंट में ब्रांड्स रखे गए हैं, जिसमें कि मतलब जो है 2000 से लेकर 4000 स्क्वायर फीट तक का एरिया है, जो कि एक बड़े ब्रांड्स को अच्छे से सेटअप करने का मौका देता है। और उसके कारण ही जो है अब से फुटफॉल को ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके जो है आप इसमें लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, ये जो रहेंगे ये बहुत बढ़िया बड़े साइज के शोरूम्स रहेंगे, जो कि 500 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक के जो है इसमें शॉप्स रहेंगे, जो कि एक अच्छे शोरूम के लिए बहुत ज़्यादा ही आवश्यक होते हैं। उसकी बात कहूँ तो इसका अगर आप व्यू देखेंगे, अगर ऊपर से भी दिखाएंगे तो इसमें वाटर बॉडीज का भी व्यवस्था की गई है, और इसमें जो है एक अच्छा सा जो है यूनिक जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिससे कि मतलब ये खुद ही देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर इसकी बात करूँ, यही इसके जो सामने में जो दिख रहा है आपको, इसमें पार्किंग फैसिलिटीज रखी जाएंगी और ईवी चार्जिंग स्टेशंस, और जो है अपना इंडियन ऑयल का रिफ्यूलिंग सिस्टम और सीएनजी स्टेशंस भी हैं, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ पे पक्का ही रुकेंगे। और इसके बैक साइड में जो मैंने कहा था कि 100 एकड़ का, जो 100 एकड़ की टाउनशिप है ये ऑरेंज ग्रीन बे की है, और इसी का पार्ट है ये 4 एकड़ का कमर्शियल। और ये कमर्शियल कहूँ तो यहाँ पर एक ही है कमर्शियल सेक्टर 22D में, और 22D में जो है 440 हेक्टेयर का रेजिडेंशियल एरिया रहेगा, जिसमें कि एक ही कमर्शियल रहेगा जो यमुना एक्सप्रेस से भी अप्रोचेबल होगा। तो एक तो फुटफॉल बाहर से भी आएगा, एक फुटफॉल उसकी जो है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का भी होगा। तो एक मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि अच्छा क्राउड और हाई पेइंग क्राउड भी अवेलेबल रहेगा। और भी बाकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, जुड़े रहिए चैनल के साथ में, जिससे कि मैं और भी आपको डिस्क्राइब वे में बता पाऊँ इस टाउनशिप के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वो पार्किंग लोकेशन है जो एस YXP के जस्ट फ्रंट में है, और ये यमुना अथॉरिटी का पार्किंग लोकेशन है, और यहीं पे बसेज आती हैं और एक ईवी चार्जिंग का स्टेशन, प्लस राइट में दिखाओ तो वहाँ पे इंडियन ऑयल का बहुत बड़ा रिफ्यूलिंग स्टेशन है, और वहीं पे CNG स्टेशन भी है। और उसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी जो है स्टारबक्स जैसे ब्रांड और जो है डोमिनोज जैसे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट रहती है जब आदमी आ रहा होता है तो उसको रुकने के लिए, और वहाँ पे सोचता है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और फैमिली के साथ जो है अपना खेले कूदे। तो उसी के मैं जो है जस्ट इसके बीच में SYXP है। अगर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ पार्किंग का लोकेशन, एक बार दिखा दूँगा कितना बड़ा पार्किंग है, और यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ है, ये फ्रंट में जो है ना यमुना एक्सप्रेस वे है, और ये पूरा यमुना एक्सप्रेस वे का आगे चलने के बाद जो है एंट्री है, और थोड़ा सा वहाँ पे एग्जिट है। आगरा से आ रहे होंगे तो यहाँ एग्जिट, और अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एंट्री है। तो ये ऐसा एक जंक्शन है जहाँ पर कि एक जंक्शन कह सकते हैं, एंट्री एग्जिट उस साइड भी है यमुना एक्सप्रेस वे के, एक एंट्री और एग्जिट है। तो इसीलिए जो है ये एक यूनिक जगह बन जाती है, जब भी कोई आता है यूज़ करता है यमुना एक्सप्रेस वे, जो लॉन्ग रूट से आ रहे होते हैं उनके रुकने की व्यवस्था। तो इसी के जस्ट अगेन दिखा दूँ एक बार, यही पार्किंग पार्किंग फैसिलिटी के जस्ट नियर में SYXP होने जा रहा है, और उसके बैक साइड में है टाउनशिप। टाउनशिप को भी ले चलते हैं, वो भी टाउनशिप भी दिखाते हैं कितनी बड़ी टाउनशिप है वहाँ पे 100 एकड़ की। तो ये जो पॉइंट है ना जो आपको सामने दिख रहा है, ये एंट्री करने का पॉइंट है, इसके बैक साइड में एग्जिट का था, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से यमुना एक्सप्रेस चढ़ जाएंगे। और यही हमारा पार्किंग फैसिलिटी लेफ्ट साइड में जो है, जो मैं आपको दिखा रहा था, जहाँ पर कि ऑलरेडी स्टारबक्स जैसी ब्रांड्स को भी मतलब ये आ गई है ऑलरेडी, और फ्यूचर में भी कई ब्रांड्स आने वाले हैं। और जिस रिफ्यूलिंग स्टेशन की बात कर रहा था ना, ये देखिए लाइन लगती है बसेज एंड कोचेज की एंड ट्रक्स की, यहाँ पे मतलब CNG और ऑयल का रिफ्यूलिंग स्टेशन है। ठीक है, और आगे चलेंगे हम लोग, इसी में चलते चलते हैं। देखिए मैं आपको सीधा प्रोजेक्ट पर ले जाऊँगा, कैसे एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर वो सब दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो है सर्विस स्टेशन भी है गाड़ियों की, ठीक है, एक हेलीपैड भी बनाया हुआ है इस एरिया में। मतलब सोच सकते हैं कि कितने बड़े स्केल में पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है, और फ्यूचर में गवर्नमेंट किस तरह से इसको EV के लूप में भी यूज करेंगे। ये यमुना एक्सप्रेस वे का एंट्री पॉइंट आ गया। ठीक है, अभी जो है अब हम चल रहे हैं यहाँ से अपने एकदम प्रोजेक्ट की एंट्री पे। देखिए कितना पास में है इसका प्रोजेक्ट, 22D का सेक्टर, ये सेक्टर रोड है, और यही इसकी जो है खासियत है कि ये जो है पूरा का पूरा यमुना एक्सप्रेस वे जुड़ा हुआ है, और ऑन द यमुना एक्सप्रेस वे सेक्टर है, और सबसे बड़ा रेसिडेंशियल का हब होने वाला है फ्यूचर के, जिसमें कि बड़े बड़े ब्रांड मैंने बताया था LDO, पूर्वांचल और एज जैसे ब्रांड्स ने तो ऑलरेडी यहाँ प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब जो है यहाँ पे फ्यूचर में आप कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड होने वाला है। कारण है उसका कि यहाँ यही जो टाउनशिप है 100 एकड़ की पूरी बहुत बड़ी गोल्फ, इसमें एक जो है 9 होल्स का पूरा गोल्फ सेटअप है, एक जो है गोल्फ सेटअप है। अब ये देखिए स्टार्ट हो गया, ये रहा ये टाउनशिप है, उसके बगल में ये टाउनशिप का गेट एक आ रहा है, आपको एक और मेन गेट दिखूंगा। उसके अलावा भी ये है हमारा YXP जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है SYXP, ये SYXP देखिए कितना बड़ा 4 एकड़ में बनने वाला प्रोजेक्ट है, और काम भी स्टार्ट हो चुका है अंदर पे, अभी जो है नीचे की पार्किंग पे काम चल रहा है। और ये पूरा का पूरा एक गेमिंग जोन का, एंटरटेनमेंट का, फ्यूचर में कह सकते हैं कि कमर्शियल एक तरह का मल्टीप्लेक्स होटल का हब बनने वाला है। और इस पे जो है ना, अब वो देखिए सीधे यमुना एक्सप्रेस वे दिख रहा है, वो यमुना एक्सप्रेस वे भी दिख रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे सामने है, और ये है हमारा YXP। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा 100 एकड़ का जो है वो टाउनशिप जो है उसकी मेन गेट दिखाऊंगा। ये हमारे राइट में 100 एकड़ का टाउनशिप ही चल रहा है, बेसिकली ये एक लग्जरी प्लॉटेड टाउनशिप है जिसमें कि गोल्फ कोर्स अंदर ही है बना हुआ है इसके अंदर में, और अथॉरिटी का पार्क भी दिख रहा होगा आपको, एक अथॉरिटी का पार्क ये बाहर में बना रहे हैं मेन रोड के ऊपर, और आपका और इस ग्रीन बे, और इसी में जो है 7 एकड़ का ओरियन भी टावर ला रहा है बैक साइड में। इसके अलावा 22D सेक्टर का जो यमुना अथॉरिटी के अलॉटेड फ्लैट्स हैं वो भी इसके पीछे हैं, वो करीबन 3000 फ्लैट्स हैं। तो ये है हमारा ग्रीन बे, देख रहे हैं आप, इसमें पूरा गोल्फ विलेज है, एक बहुत ही प्रीमियम सोसाइटी है, तो इसमें ये तो फुटफॉल देगा ही। इसके अलावा 22D सेक्टर से बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं, मैंने जो कहा था, जो कि इसको बहुत अच्छा जो है देने वाले हैं फुटफॉल। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी सारी टूरिस्ट की भीड़ है SYXP के सामने, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी बनी है उसके ऊपर, ये इतनी सारी गाड़ियाँ डेली आती है वहाँ पर, जिनकी की फूड को रिक्वायरमेंट को कैटर नहीं कर पाता, क्योंकि अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जब और भी जब बढ़ेगा यहाँ पर चलन, जब यहाँ पर जब ये फेमस होगा जगह, तो कितनी गाड़ियाँ और सारी गाड़ियाँ यहीं रुकेंगी, आगरा से जो आती हुई दिल्ली जाने से पहले यहीं पर रुकेंगे।
और लखनऊ से भी जो आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा फुटफॉल रहने वाला है यहाँ के जो टूरिस्ट के लिए, और प्लस जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ जो डेवलप हो रही हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फुटफॉल का जगह रहेगा। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका एश्योर्ड रिटर्न। इसमें अगर पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप 40% देते हैं, तो लेट्स सपोज अगर 40 लाख रुपये अगर दिया आपने, तो उसका 40,000 रुपये पर मंथ आपको रिटर्न कर देगा बिल्डर, वो भी जो है इस पेमेंट प्लान में इंक्लूडेड है। तो मतलब जब तक आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा आप 40,000 रुपये उस अमाउंट का रिटर्न भी लेते रहेंगे, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न ऑप्शंस रहेगा और एज बिल्डर है भी अच्छा और उसे टाइमली कंप्लीट करेगा। और इस तरह का जो देखें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो क्राउड है ये सारा जो है वाईएक्सपी में शिफ्ट होगा और बहुत फेमस लोकेशन बन जाएगा ये फ्यूचर में आने वाला है, आने वाले टाइम में। क्योंकि आप देखिए मुरथल को दिमाग में सोचिए कैसे वो अम्बाला चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर है और कितना अधिक चलता है, वहाँ इतने सारे रेस्टोरेंट सब चलते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इसकी अच्छे रेस्टोरेंट्स की। तो फ्रेंड्स और कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कॉल करिएगा, आई एम रेडी एंड माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स।